उसके हाव भाव से तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी बहनें उसके आसपास ही रहती हैं और वो अपनी सारी बहनों का ख्याल रखती है। दीदी अच्छे से हम ना चोटी नहीं बनाएंगे, अपना बाल खुला रखेंगे और तुम्हारा भी बाल खुला रखेंगे, ठीक है? और गुंजन दीदी के बाल? हमारे बालों का कहे, हम तो अपने बालों का बस एक लंबा सा चोटी बना लेंगे। इसका मतलब कि वो बहुत अकेली है। हाँ, और उसको भी सालों से किसी ने बाहर निकलते नहीं देखा। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि वो बाहर क्यों नहीं निकलती। घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? दीदी को देखो, एक बार बाहर गई थी, बाहर ही अपनी हंसी भूल के आ गई। हम नहीं चाहते हैं कि तुम सब भी जाओ और अपनी हंसी भूल के आ जाओ। ये दुनिया हम बहनों के लिए नहीं है, हम बेटियां हैं ना, इसलिए। बिल्कुल सही कहा। घर की बेटियां आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप होती है। तरेगनी से नजरें नहीं मिला पाते, लेकिन हाँ, हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इंतजार देखा है। उम्मीद हो या ना हो, हम कैसे लग रहे हैं? एकदम परी लग रही हो। हाँ, पर एक चीज की कमी है। अरे, पंख की। लेकिन पंख तो हम सब बहनों को चाहिए। हाँ हाँ, तो हम है ना। तुम सब हमको ऐसे काय देख रहे हो? अरे, हम बोले ना, हम तुम सबको पंख देंगे। दीदी, हमें पंख नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ा सा आपका रूप चाहिए। पता है दीदी, आज बारात में ना शीला को कोई नहीं देखेगा, सब बस आपको ही देखते रह जाएंगे। सच में हम इतने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल आसमान के तरेगन की तरेगनी लग रही हो तो। जल्दी चलो, वरना बारात चली जाएगी। हाँ। अरे हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम डॉक्टर बन गए? डॉक्टर बन गए। मैं तुम्हारी मन की बात नहीं समझ पाया था ना, लेकिन अब समझ जाऊंगा। मतलब तुम मन की बात जानने वाले डॉक्टर बन गए? बारात से वापस आते हैं तो तुम हमारे मन की बात बताओगे ना? देखो,
नव डॉक्टर बन गया है और वो भी मन की बात जानने वाला। अरे चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जाके वापस भी तो आना है। रागनी चलो, दीदी चलो ना जल्दी, चलो ना, चलो जल्दी जल्दी। इस पर हमें छोड़ के मत जा, हम अभी वापस आते। हाँ दीदी हमारे। रुको हम भी आए। तुम निकाल सकते हो तारिगनी को अकेलेपन से? मेडिकल साइंस फेल हो सकता है लेकिन मेरा प्यार नहीं। बदकिस्मत तारिगनी की खुशकिस्मती यही तो थी कि नब उसे बहुत प्यार करता था। लगभग 3 साल लगे तारिगनी को उसके अकेलेपन से निकालने में, लेकिन हमारे देश की उन लड़कियों का क्या होगा जिनकी तकदीर तारिगनी जैसी नहीं है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, इस बीमारी से ग्रसित हजारों लाखों लड़कियां हैं आज हमारे देश में, और इस बीमारी के जिम्मेदार उनके अपने ही हैं, उनका अपना समाज ही है। भूत प्रेत डायन जिन और मनहूस जैसे शापित नाम देकर उन्हें एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं जो जीते जी मौत से भी बदतर होती है। हम तारिगनी के माध्यम से एक अनोखे अंदाज में उन लोगों के दिल को छूना चाहते हैं, उन्हें बदल देना चाहते हैं जो अपनी बेटियों को आशीर्वाद नहीं अभिशाप समझते हैं। इस कहानी में जैसे जैसे तारिगनी की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी, वैसे वैसे इस देश की उन बेटियों की किस्मत भी संवरेगी जो अपनों के साथ तो रहती है लेकिन उन्हें कभी अपनापन नहीं मिलता।